नमस्कार, स्वागत है आपका डीजीएनए न्यूज में और मैं हूं अरशद खान। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज हम चर्चा करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता उमेश शर्मा जी से, साथ ही हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी। इस वक्त बड़ा मुद्दा है पद्मावती फिल्म को लेकर, उसे रिलीज किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए, इस पर अभी भी संशय है। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में इसके रिलीज पर रोक लगा दी है। क्या कारण रहा अचानक से शिवराज सिंह चौहान ने पद्मावती पर रोक लगा दी? क्या ये वोट की राजनीति है या राजपूतों को साधने की कोई कोशिश? नरेंद्र जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं मैं कि शिवराज सिंह, हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरह के आशय की एक बात केंद्र सरकार को कही थी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, तो पद्मावती को रिलीज नहीं किया जाए। उस शायद उसी तर्ज पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में घोषणा की कि यहाँ पर मध्यप्रदेश में पद्मावती को रिलीज नहीं किया जाएगा। साथ ही शायद राजपूतों को रिझाने के लिए उन्होंने यह तक कह दिया कि यहाँ पर पद्मावती रानी की स्मारक भी बनाई जाएगी। क्या सोचते हैं आप? देखो, इस देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को रानी पद्मावती के गौरवशाली इतिहास से कोई गुरेज नहीं है। उनका त्याग व बलिदान का जो इतिहास है, यदि उसके साथ छेड़छाड़ की बात की जाएगी, कैसी कोई भी फिल्म हो, उसके समर्थन में कोई नहीं है। हर व्यक्ति उसके विरोध में, चाहे कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, रानी पद्मावती के साथ इतिहास के छेड़छाड़ करने वाली किसी भी फिल्म को कोई भी प्रदेश का या देश का नागरिक बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि रानी पद्मावती हमारी गौरवशाली परंपरा की प्रतीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीति जरूर आ रही है शिवराज के इस निर्णय के पीछे। रानी पद्मावती का इतिहास वर्षों पुराना है, लेकिन अचानक शिवराज को उनके नाम पर पुरस्कार देने की याद आती है, उनके नाम के स्मारक बनाने की याद आती। यदि रानी पद्मावती का इतना गौरवशाली इतिहास था, तो शिवराज अभी तक 13 वर्ष के मुख्यमंत्री सोए क्यों थे? अभी तक उनके नाम पे पुरस्कार क्यों नहीं जारी करे? उनका स्मारक क्यों नहीं बताया गया? आज अचानक उनके लिए इतनी पूजनीय क्यों हो गई? निश्चित तौर पर हमारे लिए भी राष्ट्रमाता समान है, लेकिन आप देखें कि जिस मध्य प्रदेश के अंदर दुष्कर्म की घटनाएं सर्वाधिक होती है, जो देश के अंदर शीर्ष पर राज्य, जहाँ प्रतिदिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती है, अभी आप देखें 20 दिन पूर्व भी हुआ, आज भी अभी थोड़ी देर पहले भी भोपाल में एक दुष्कर्म की घटना हुई और दुष्कर्म पीड़ित बेटी को दर दर भटकना पड़ा रिपोर्ट लिखाने के पीछे। अभी एक 20 दिन पुराना मामला सामने आया कि अशोकनगर की एक बेटी को 20 दिन में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, जब सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट करी तो जाके दर्ज हुई। जब मध्य प्रदेश में महिलाएं इतनी असुरक्षित है, तो वहां का मुख्यमंत्री यदि महिलाओं के सम्मान को लेकर बड़ी बड़ी बात करे, तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित और बेईमानी लगती है। जी, क्या लगता है? कहीं गुजरात चुनाव से आरोप लगा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान इस पद्मावती वाले मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं, क्यों ना याद आई उनको पिछले 12-13 साल में अचानक से पद्मावती क्यों याद आई? ऐसा नहीं है कि हमारे मध्य प्रदेश में रानियां नहीं हुई। महारानी लक्ष्मीबाई की बात करें और भी कई सारी ऐसी महिलाएं, देवी अहिल्या हमारे इंदौर की बात करें, तो इनको लेकर कभी ऐसी बात नहीं आई। आज पद्मावती पर जब फिल्म बनाई जा रही है, तो इस तरह की घोषणाएं की जा रही है, क्या मानते हैं आप? अरशद भाई, पद्मावती जी का चरित्र हो या भारत के जितने भी ऐतिहासिक पात्र रहे हैं उनके चरित्र के विषय की बात हो, पहले तो आपके प्रश्न का मैं जवाब दे दूं, नरेंद्र जी के प्रश्न का जवाब दे देता हूं। पद्मावती जी को लेकर एकाएक मुख्यमंत्री जी को स्मरण आया या याद आई है, तो पूरी तरह से सही बात नहीं है, क्योंकि प्रसंगवश पूरे देश भर में एक वातावरण का निर्माण हो गया है। देश भर का जो राष्ट्रभक्त नागरिक है, और मैं कहता हूं कि इसको केवल राजपूत समाज का मुद्दा नहीं माना जा सकता है, ये आम भारतीय जो देशभक्त भारतीय, राष्ट्रभक्त भारतीय, जिसको लगता है कि भारत के गौरवशाली इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको लगता है कि पद्मावती जैसा जो चरित्र था, जो बलिदानी चरित्र है, उसके चरित्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो वो आंदोलित हुआ, उद्वेषित हुआ, पूरा देश आक्रोशित हुआ, और जो देश पूरा आक्रोशित हुआ, तो निश्चित रूप से अभी वो फिल्म लोगों ने देखी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने भी नहीं देखी फिल्म, मुख्यमंत्री जी ने भी, तो आप कैसे बता सकते हैं? अरशद भाई, सरकार जो होती है ना, उसके बाद तंत्र की एक संजय दृष्टि होती है जी। सरकारें चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, मजाक की बात नहीं होती है। जो सरकारें चलती है, उनके पास एक तंत्र की संजय दृष्टि होती है, सरकार के संज्ञान में सारा विषय होता है। सरकार ने जो कार्रवाई की है या प्रतिबंध का जो निर्णय मुख्यमंत्री जी ने कराया, उसके पीछे ठोस कारण है, पर्याप्त कारण है। सेंसर बोर्ड का अभी परिणाम सामने नहीं आया, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट से ने कहा है कि ये मामला सेंसर बोर्ड का, सेंसर बोर्ड भी कहीं ना कहीं सरकार के अधीन है। सेंसर बोर्ड ने आवेदन वापस लौटाया है। सेंसर बोर्ड ने संजय लीला भंसाली जी के आवेदन को तकनीकी त्रुटि के आधार पर वापस लौटाया है। संजय लीला भंसाली जी ने वेद प्रताप वेदिक जी को पिक्चर दिखाई है, संजय लीला भंसाली जी ने रजत शर्मा को पिक्चर दिखाई है, तो मुझे लगता है अरशद भाई कि अब तो मीडिया इतना शक्तिशाली हो गया कि लोगों के बेडरूम तक में ताक झांक कर लेता है, और इस प्रकार की कोई फिल्म बताई जाएगी
जो भारत के इतिहास के साथ खिलवाड़ करेगी, जो भारत के गौरवशाली चरित्रों का चरित्रहनन करेगी। तो ऐसी पिक्चर के बारे में अगर सरकार को समय रहते संज्ञान नहीं होगा तो मुझे लगता है कि वो सरकार फेल्यूअर होती है, और हमारी सरकार फेल्यूअर नहीं है। निश्चित रूप से पर्याप्त कारण थे, ठोस आधार था, तथ्यात्मक कारणों के आधार पर कार्रवाई की गई है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। केवल राजपूत समाज का विषय नहीं है, ये भारत के संपूर्ण समाज का विषय है जो भारत के प्रति अपनी आस्था रखता है। हमारी मातृभूमि के लिए जो बलिदान हुए हैं, हमारा 5000 वर्ष पुराना इतिहास है जिसको हम लोग दुरालेखन के बाद भी 5000 वर्ष का तो माना जाता है। ये 5000 वर्ष का जो भारत का गौरवशाली इतिहास है, इस वैभवशाली इतिहास के साथ किसी भी फिल्मकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे, कला की अभिव्यक्ति के नाम पर छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। और हम संजय लीला भंसाली से कोई हमारी जाति दुश्मनी नहीं है। दीपिका पादुकोण जी के अभिनय का जैसे बाकी सारे लोग प्रशंसक है, हम लोग भी प्रशंसक है। अगर फिल्म को संपादित करा जाता है, उन दृश्यों को हटाया जाता है जिन पर आपत्ति है, आप बताइए अर्शद भाई, स्वप्न दृष्टि के नाम पर इस तरह का मिथक गढ़ा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी की अंतरंगता के जो दृश्य है वो पद्मावती के साथ फिल्मा लिए जाएंगे और कहा जाएगा वो तो स्वप्न दृश्य। कल को तो आप सीता माता का रावण के साथ स्वप्न दृश्य का निर्माण कर देंगे। स्वप्न दृश्य के नाम पर अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता दी जा सकती है पर स्वच्छंदता नहीं दी जा सकती है। और संजय लीला भंसालिनी ने ये जो स्वप्न दृश्य बनाया था, ये जो घूमर नृत्य बनाया है, मुझे लगता है कि हमने, और ये कोई पहला अनुभव नहीं है संजय लीला भंसाली जी को लेकर, बाजीराव मस्तानी हिंदुस्तान ने देखी है। बाजीराव जैसा अपराजय योद्धा, जो सिकंदर से भी महान योद्धा था, जिसने जीवन भर युद्ध लड़े, जिसका संपूर्ण जीवन का एक तिहाई हिस्सा घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे गुजर गया, जिसका संपूर्ण जीवन का एक तिहाई हिस्सा रोटी कम खाने में गुजरा हाथ से और तलवार चलाने में ज्यादा गुजरा, उसका दृश्य चित्रण कैसा करा गया, उसको एक कामुक बता दिया गया, उसको एक रास रंग और रंगरेलियों में डूबा बता दिया गया। तो मुझे लगता है कि जो पूर्व के अनुभव संजय लीला भंसाली को लेकर थे, इसको लेकर सरकार भी सतर्क थी और आम भारतीय भी सतर्क था। और जैसे ही छनछन के ये खबरें बाहर आने लगी, पूरा हिंदुस्तान आंदोलित हुआ है, पूरा हिंदुस्तान उद्वेलित हुआ है। और जहां तक शिवराज जी का प्रश्न है, हम इसमें कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं ढूंढ रहे। आज कोई मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होने नहीं जा रहे और किसी एक जाति विशेष के वर्ग को खुश करने के लिए काम नहीं किया गया और ना एक धर्म विशेष के लिए करा गया। और मैं तो आपसे भी अर्शद भाई कहना चाहता हूं कि इस्लाम तो बहुत ही ऊंचे उसूलों वाली बात करता है। वो तो कहता है कि अगर अपना पड़ोसी भूखा है तो हमको निवाला निकाल के खिला देना चाहिए। लीला भंसाली की फिल्म का समर्थन नहीं कर रहा हूं उमेश जी। एक बात बता दूं मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी का जिस प्रकार का महिमा मंडन किया जा रहा था ना, ये खिलजी वंश का दूसरा शासक था, 1296 से 1316 तक 20 साल का जो इसका भयावह इतिहास रहा है ना इस हिंदुस्तान ने, उसको भोगा है। और इसका इतिहास क्या है? इसका इतिहास ये है कि इसके सगे चाचा ने अपनी बेटी इससे ब्याही, है ना, जलालुद्दीन ने जी। और जलालुद्दीन बूढ़ा हो गया, उस बूढ़े जलालुद्दीन ने अपने भतीजे को अपनी सगी बेटी से ब्याह कराया, सगा भतीजा सगी बेटी दोनों का विवाह संबंध हुआ। और उसके बाद उस जलालुद्दीन जो दिल्ली का राजा हुआ था, खिलजी वंश का पहला शासक था, उसने क्या करा, अलाउद्दीन खिलजी के साथ अपनी भतीजी अपनी बिटिया का ब्याह करा। और इस भतीजी ने क्या करा, इसको एक केवल छोटा सा खत्म करूंगा अर्शद भाई, कड़ी का हाकिमदार बनाया इफ्तार के समय रमजान के महीने में अपने सगे चाचा को जो इसका ससुर भी था, निर्ममता के साथ इफ्तार के समय इसकी गर्दन काटने के लिए तलवार टिका दी। और चाचा ने बड़े निरीह और कातर शब्दों में कहा था कि अला, जब तू छोटा था तो मेरे गोद में बैठकर तू अपने सारी क्रियाएं करा करता था, मैंने तुझे मोहब्बत दी है। और उसने धड़ से उसकी गर्दन उड़ा दी। और गर्दन उड़ाने के बाद ना केवल नागरी में, ना केवल कड़ी में, ना केवल मलकनपुर में, पूरी दिल्ली के अंदर अपने सगे ससुर की गर्दन को ये लटका कर घुमाए, ऐसा आताताई शासक। और एक आखिरी बात अर्शद भाई, ये जो संजय लीला भंसाली जी ने चित्रण करा है ना पद्मावती जी का, जोहर जो है वो भारत का गौरवशाली इतिहास है। 16,000 नारियों के साथ धधकती हुई चिता के अंदर कूद जाने का जो सामर्थ्य और जो साहस होता है, वो केवल हिंदुस्तान की नारी बता सकती है जो अपनी आन और अपनी प्रतिष्ठा को समझती है। तो ऐसे चरित्रों के साथ तो खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस पर अगर हम पर यह आरोप लगता है कि हमने राजनीतिक कारणों से ऐसा करा है, धार्मिक कारणों से ऐसा कराए, तो इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज करता हुआ मैं बहुत प्रमाण पूर्वक ये बात कहना चाहता हूं कि ये आम भारत की मांग थी, ये भारत का जो गौरवशाली इतिहास है उसके साथ खिलवाड़ करने वाली किसी भी फिल्म को, किसी भी कलात्मक अभिव्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो प्रतिबंध माननीय शिवराज जी ने लगाया है, मैं दिल से उनको सैल्यूट करता हूं। नरेंद्र जी, देखो मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस भी
देश की गौरवशाली परंपरा के साथ खिलवाड़ वाले किसी भी शख्स को बर्दाश्त करने का कभी समर्थन न किया है न करेगी। हमारी पंजाब की कांग्रेस सरकार ने भी इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया, लेकिन हम सिर्फ भी इस निर्णय जिस पर बड़ी बड़ी बातें भाजपा कर रही है, उमेश शर्मा जी कर रहे हैं, मेरी बात आपकी आपकी बात आपकी बात में बीच में नहीं बोला, आपके पूरे निबंध में बीच में नहीं बोला, आपने पूरी कहानी सुना दी मेरे को भी गौरवशाली पद्मावती पता है, मेरी पूरी कहानी मुझे भी मेरे को आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ, आप मेरी बातों का जवाब आपका नंबर आएगा दीजिए, पद्मावती का इतिहास हमको भी पता है, मैं भी पूरा इतिहास बता सकता हूँ। बात यह कि यही भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनकी दिल्ली से लेकर प्रदेश तक सरकार है, क्या सेंसर बोर्ड मोदी सरकार से बड़ा है? यदि उस फिल्म के अंदर आपत्तिजनक दृश्य है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस तरह वो एक फिल्मकार उस फिल्म को प्रदर्शन के लिए खुलेआम आपको चुनौती दे रहा है, आप सेंसर बोर्ड आपका उसकी अनुमति कैंसिल कर दीजिए, आपके मुख्तार तो मुख्तार नहीं नहीं लौटा दिया है, सेंसर बोर्ड ने को आवेदन लौटा है तकनीकी त्रुटि के कारण, अभी फिल्म नहीं देखी है, फिल्म को पास नहीं किया, और आप देखें इनके मुख्तार अब्बास नकवासी क्या कहते हैं, हम तो फिल्म देखने जाते हैं मनोरंजन के लिए, हम इतिहास भूगोल में नहीं जाते। राजनाथ सिंह इनके गृह मंत्री जो खुद राजपूत समाज से आते हैं आज तक चुप है, स्मृति ईरानी जिसके अंडर में सेंसर बोर्ड है वे आज तक चुप है, वे संरक्षण देने की बात करती है फिल्मकार को, तो ये क्या दोहरा चरित्र? अभी गुजरात चुनाव चल रहे हैं, यूपी में नगरीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं, आप देखना गुजरात चुनाव के बाद इनका दोहरा चरित्र, इस पद्मावती को लेकर जो इनका नजरिया ना उसके अंदर आपको बदलाव दिखेगा, सिर्फ यूपी के और गुजरात के चुनाव हो जान दीजिए, यदि इस देश का हर नागरिक और सब राजनीतिक दल यदि इस फिल्म के विरोध में है और सेंसर बोर्ड ने भी अभी तक पास नहीं करी, तो आप बड़ी बड़ी बातें स्मारक की घोषणा पुरस्कार की घोषणा तो ये राजनीति के सिवा क्या नहीं? यदि पद्मावती का इतिहास वर्षों पुराना है तो 13 साल से आप सोए क्यों थे? आपकी सरकार थी उसके पहले घोषणा करते, अरे आप तो आपके प्रदेश की बेटियों को सुरक्षित रख लें फिर महिलाओं के इतिहास की बड़ी बड़ी बातें। हमें प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा की आपको नसीहत देने की आवश्यकता नहीं है, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जिसकी पार्टी ने नैना साहनी को तंदूर में जिंदा झोंक दिया था वो लोग जौहर की ज्वाला का मतलब नहीं समझ सकते। अब आप एक अब देश में अगर प्रदेश में प्रदेश में किसी बिटिया के साथ बलात्कार हो गया तो उसका क्या मतलब है कि हम पद्मावती के साथ ये सारी चीजें? उमेश जी कहीं ना कहीं ये इस चीज को इंडिकेट तो करता है, एक तरफ आप रानी पद्मावती की स्मारक बनाने की बात करते हैं, वही मध्य प्रदेश में लगातार महिलाओं पर उत्पीड़न बढ़ रहा है, बलात्कार की घटना लगातार बढ़ रही है, किसी भी परिस्थिति में सिस्टम आपका कोलैप्स हो रहा है। अर्शद जी बलात्कार किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी जिला में हो, बलात्कार एक घृणित अपराध है, ये एक सामाजिक बुराई है, ये राजनीतिक बुराई नहीं है, राजतंत्र का जो अपना होता है, अगर वहां पर बलात्कार की घटना घटी है, आरोपियों को गिरफ्तार करा गया, एफआईआर में अगर विलंब हुआ है तो जिनके कारण विलंब हुआ है वो सारा का सारा थपेंड हुआ है थाना, जिस एसपी रेलवे ने बड़ी निर्लज्जता का उदाहरण दिया था वो एसपी रेलवे को हटाया गया है, तो शासन जो है वो उसके बाद अपनी कार्रवाई करने में मुझे लगता है कि मुस्तैदी के साथ कार्रवाई की गई है। पर मैंने जैसा कहा ना कि बलात्कार जो है ये घृणित सामाजिक बुराई है, इसके लिए सामाजिक जागरण की आवश्यकता है, और अभी मध्य प्रदेश के कैबिनेट की बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री जी के निवास में बैठक चल रही है, मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की मंशा है कि बलात्कार की जो घृणित अपराध है, बलात्कार के घृणित अपराध के ऊपर मृत्युदंड का प्रावधान आना चाहिए, और इस बात को लेकर सरकार गहन विचार विमर्श कर रही है। कोई भी निर्णय पर पहुंचने के पहले इस प्रकार का गहन विचार विमर्श आवश्यक होता है ताकि बाद में उसके गुणदोषों के आधार पर संशोधन करना कम से कम पड़े। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की सदा चाहता है कि बलात्कार जैसे घृणित अपराध को वो मृत्युदंड का प्रावधान लाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सदा चाहता है कि जब देश भर के अंदर पद्मावती जी के गौरवशाली अतीत को लेकर एक वातावरण का निर्माण हुआ है तो उस वातावरण का जो निर्माण हुआ है, लगता है लेट हो गए शिवराज जी लेट नहीं हुए, देश भर में जो वातावरण का निर्माण हुआ है उसको चिरस्थायी बनाने के लिए अगर किसी देश के मुख्यमंत्री ने पहली पहल की है तो इस बात की साधुवाद, इस बात का धन्यवाद तो मुख्यमंत्री जी के लिए बनता है कि एक जो देश भर में वातावरण निर्माण हुआ है, जो अनभिज्ञ लोग थे जिनको पद्मावती के इतिहास की जानकारी नहीं थी, आज माता पद्मावती के बारे में वे लोग भी जानने लगे, आज राजपुताना का गौरवशाली इतिहास जो रहा है उसको वामपंथियों ने बहुत तोड़ मरोड़ के लिखा है, अंग्रेज इतिहासकार आए उन्होंने राजपुताना के इतिहास को अय्याश इतिहास बना दिया, राष्ट्रंग में डूबा हुआ इतिहास बना दिया, तो इस इतिहास का सुलेखा हो रहा है। सारी बातें कर रहे हैं तो क्यों हम हमारी किताबों में इस तरह का इतिहास चल रहा है सोयोजन का समंदर है अर्षद जी, सोयोजन का हनुमान ने छलांग अभी लगाई, अभी सुरसा का संगार जारी है, लंका का दहन भी होगा,
ये जो सरकार आई है ना, ये राष्ट्रवादी सरकार नरेंद्र मोदी की आई है। शने शने इस भारत के अंदर जितने दोष व्याप्त है ना, सारे दोषों का निराकरण होगा। और नरेंद्र जी की एक बात कह के मैं उनको बोलने का अवसर दूंगा, उन्होंने कहा कि अभी तो सेंसर बोर्ड ने नहीं देखा। कई बार क्या होता है कि गर्भावस्था में बच्चा होता है ना, तो सोनोग्राफी से भी बहुत सारी चीजें पकड़ ली जाती है। और सोनोग्राफी परीक्षण पर, अरे ये तो बच्चे जैसी बात करते हैं। आप अपनी बात कही, आप उनको एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है। परीक्षण पे प्रतिबंध है दादा, सोनोग्राफी तो आप तो गर्भधारण कर नहीं सकते हो। गर्भधारण करा होगा आप अपनी बात कही। आपसे कुछ और था वो समझ नहीं पाए। चार बार तो जानकारी दे दूं, हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कितने बड़े घोषणावीर है, उन्होंने कहा कि हम रेपिस्ट के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करेंगे, आज कैबिनेट में चर्चा करेंगे। ये कह रहे हैं कैबिनेट में प्रस्ताव पे चर्चा हो रही। इनकी जानकारी बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की कैबिनेट में वो प्रस्ताव टल गया है, क्योंकि जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो उसकी विधिक सलाह ली जाती है। मुख्यमंत्री उन्हें बगैर सलाह के रख दिया, कोई गुण सलाह के रख दिया। प्रस्ताव आने के बाद विधिक सलाह के लिए जाएगा कैबिनेट में, इसीलिए टल गया कि मैं आपकी बात भी सुनी। मेरा आपकी बात भी सुनी है, लेकिन फिर बात सुन रहा हूँ। लेकिन एक चीज आप दोनों से ही जानना चाहता हूँ कि मैंने अभी एक इंटरव्यू किया था जेपी चोकसे साहब का, काफी मशहूर समीक्षक रहे हैं वो, और अभी भी समीक्षा करते हैं फिल्मों की। तो उनका यह कहना था कि जब जनता नेता चुन सकती है अपनी मर्जी का, सरकार बना सकती है अपनी मर्जी की, तो वो मनोरंजन क्यों नहीं चुन सकती। आप दोनों से ही मेरा ये सवाल है, हालांकि आप दोनों विरोधी पद्मावती के रिलीज होने को लेकर। मैं जयप्रकाश जी से एक जयप्रकाश जी का जो निरंतर अभी लेखन है, जयप्रकाश जी क्या है कि एक समाजवादी फंतासी के अंदर जीने वाले व्यक्ति हैं। उनके पूरे जीवन के ऊपर जयप्रकाश चोकसे के आधा तो प्रभाव जवाहरलाल नेहरू का रहा और बाकी का प्रभाव राज कपूर का रहा। वो आधा जीवन राज कपूर की मोहब्बत में बिता चुके हैं। उनका लेखन में निरंतर पढ़ता हूं और समीक्षक के नाते वे कभी निष्पक्ष नहीं रहते। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जयप्रकाश जी ऐसी बात करेंगे ना, तो मैं, वो मेरे वरिष्ठ है और मैं उनकी लेखनी का बड़ा मुरीद हूं। मैं उनसे असहमति रखने के बावजूद उनको पढ़ता हूं, क्योंकि उनका लिखने का सलीका मुझे बहुत भाता है। पर मैं जयप्रकाश चोकसे जी से बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी रायचंदी इस विषय पर अपने पास रखिए। उत्तर क्या है? इसका मनोरंजन चुनने का अधिकार नहीं है देश की जनता को? क्यों? तो जब अपनी सरकार चुनने का अधिकार ही है, उनका प्रश्न गलत कहां है? उमेश जी आप मुझे बताइए, क्या क्या पूछना चाह रहे हैं? वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति, देश का नागरिक, सरकार चुनने का अधिकार रखता है, उसको चयन करने की अनुमति है, तो अपना मनोरंजन भी चुनने का उसको अधिकार है। और वो अपना मनोरंजन चुन सकता है। पद्मावती रिलीज होती है, यदि पद्मावती रिलीज होती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे कैसी बात कर रहे हैं अर्चत जी, जयप्रकाश चोकसे के मनोरंजन के लिए हम पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी के बेडरूम में जाने की इजाजत देश नहीं दे सकता है। जयप्रकाश चोकसे जी की इस पगलाई हुई राय से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम, पसंद चुनने के नाम पे कल को तो हिंदुस्तान के लोग कह देंगे या जयप्रकाश जी चोकसे कह देंगे कि जो सन्नी लियोन है वो सीता माता की तरह पवित्र है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे इस तरह की बदतमीजियां ये देश अब स्वीकार नहीं करेगा। वो दिन लद गए हर्षद जी, वो दिन लद गए। डेनमार्क में एक कार्टून बनता है, सारा हिंदुस्तान आंदोलित होता है ना, हम भी आंदोलित होते कि नहीं पैगंबर का आपके साथ जो अवमानना करी गई है वो तो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कला के नाम पे, अभिव्यक्ति के नाम पे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे जयप्रकाश चोकसे जी माफ करना, इस प्रकार की स्वच्छंदता की इजाजत नहीं दी जाती है। नरेंद्र जी आप क्या मानते हैं जयप्रकाश चोकसे जी के सवाल को? नहीं, मैं जयप्रकाश चोकसे जी की कुछ बातों से सहमत हूं और कुछ से असहमत हूं। मनोरंजन की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती। यदि कोई देश का गौरवशाली इतिहास है और फिल्मांकन से यदि वो इतिहास के अंदर तोड़मोड़ हो रही है या गौरवशाली परंपरा खंडित हो रही है, तो उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अगले साल चुनाव होने वाले हैं उमेश जी, और चुनाव का इस विषय से अर्चा जी कोई देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस इसी चीज पर कोई लेना देना। देखिए यहाँ पर कांग्रेस में ठाकुरों की कमी नहीं। मैं आपको थोड़ा सा कांग्रेस का इतिहास बताना चाह रहा हूँ। दिग्विजय सिंह ठाकुर है, ज्योतिराज सिंधिया है, बहुत सारे हैं, आपके राहुल भैया हैं।
इनके कुछ ऐसे बयान नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है? आपको कैसा लगता है ये साइलेंट रूप से ठाकुरों को अवेयरनेस चाह रहे हैं? नहीं अर्चा जी, मैं फिर दोहरा, ज्योतिरादित्य जी मेरे वरिष्ठ नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनकी जातिगत आधार पर उनके राजनीतिक कद का आकलन करना ही नहीं चाहता हूं। मैं तो दूसरी बात कहना चाहता हूं। अर्शद जी, आप पद्मावती को केवल राजपूतानी मान के मत बात करिए। मैं पूरे लोगों से कहता हूं, यह केवल एक राजपूत समाज का मुद्दा नहीं है, यह भारत का मुद्दा है, यह इस देश का मुद्दा है, यह इस राष्ट्र का मुद्दा है। पद्मावती, आज हम पद्मावती को राजपूतानी मान लेंगे, कल हम बोलेंगे कि हमारे महाराजा रणजीत सिंह जी केवल पंजाबी थे, कल हम उठा के कह देंगे कि हमारे गुरु विवेकानंद जी है वो केवल बंगाली ब्राह्मण। आप जाति के खानों में बांटने का ये जो 70-80 साल से चल रहा है ना, ये वामपंथियों की फितरत थी। हिंदू समाज को टुकड़े टुकड़े, हिंदू समाज को टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये गुजर है, ये जाट है, ये मोची है, ये वाल्मीकि है, ये अनुसूचित जाति का, ये ब्राह्मण है, ये पंजाबी है, ये जो खानों में बांटा गया है ना हिंदू समाज का, इस भारत का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी कारण से हुआ है तो हम सबको जातिगत खानों में फिट करा। मैं इस बात को कतई नहीं मानता कि पद्मावती जी के साथ केवल राजपूत समाज को खड़ा होना चाहिए, या केवल दिग्विजय सिंह जी को होना चाहिए, या केवल राजनाथ सिंह जी को होना चाहिए, या केवल ज्योतिरादित्य जी या नरेंद्र सिंह तोमर जी को होना चाहिए। उसके लिए उमेश शर्मा भी खड़ा है, जैसे नरेंद्र सलूजा जी को इस बात के लिए प्रणाम करता हूं कि उन्होंने स्पष्ट रूप से शुरू में कहा कि वे भी इस बात में साथ में खड़े। तो ये मुझे लगता है कि जातिगत मुद्दों से ऊपर उठ के अर्शद जी, ये पूरे देश के गौरव अभिमान का प्रश्न है, इसलिए पूरा हिंदुस्तान इस विषय पर एक साथ खड़ा है। एक बात आखिरी, फिर आप अपनी बात कहिएगा। आपने कहा था कि अगले साल चुनाव है। जी हाँ। भारतीय जनता, मुझे कांग्रेस का इतिहास जानने में कोई रुचि नहीं है, ये उनकी अपनी राजनीतिक दल की परंपरा होगी, उनके अपने विचार होंगे, वे अपने दल का संचालन जिस प्रकार भी करना चाहे उनको स्वतंत्रता है, हम अपने दल का संचालन किस प्रकार भी करें हमको स्वतंत्रता है। मैं उनके आंतरिक लोकतंत्र और आंतरिक क्रियाकलाप पर प्रतिक्रिया करने का अधिकारी इसलिए नहीं हूं क्योंकि इसके लिए मुझे मेरा दायित्व तो अधिकार नहीं देता है। पर जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है हर्षद जी, भारतीय जनता पार्टी को किसी भी चुनाव के लिए, किसी भी चुनाव, नीचे पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक, भारतीय जनता पार्टी को कभी किसी अतिरिक्त तैयारी की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो व्यक्ति आधारित राजनीतिक दल नहीं है, हम विचार आधारित राजनीतिक संगठन है एक बात, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो काडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित संगठन है, और यहाँ कार्यकर्ता का प्रशिक्षण प्रतिदिन प्रतिपल होता है। भारतीय जनता पार्टी शांति काल में भी युद्ध का अभ्यास करने वाला राजनीतिक दल है, इसलिए हमको किसी भी चुनाव के लिए ना तो कोई वातावरण निर्माण करने की आवश्यकता लगती है, ना कोई मुद्दा तलाशने की आवश्यकता लगती है, और विशेष करके दोहराना चाहता हूं कि राष्ट्रहित के जो विषय हैं उन विषयों को लेकर तो हम कभी राजनीति करेंगे नहीं, हमने कभी करी नहीं है। मुंबई की माया नगरी में इस बात को लेकर काफी हलचल है और कई सारे एक्टर्स अपने अपने बयान दे रहे हैं, चाहे वो शबाना आजमी हो या अन्य एक्ट्रेस हो, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और इस तरह की घोषणाएं भी की जा रही हैं कि संजय लीला भंसाली की गर्दन ले आओ, 10 करोड़ मूर्खतापूर्ण बात है, ये जो कह रहा है मूर्खतापूर्ण बात है, उसको दंडित नाक काटने की बात की जाती है हीरोइन, गलत बात है। दीपिका पादुकोण की नाक काटने वाली जो बात करता है वो व्यक्ति महामूर्ख व्यक्ति है, है ना? इस प्रकार का लोकतांत्रिक तौर तरीके से विरोध किया जाता है, उस विरोध के साथ कौन से पार्टी का पूछ तो लो, और हमारे मंत्री का जो नाम आ रहा था उनका खंडन आज सांसद देने को मिला, आपके मीडिया प्रमुख, आपके हरियाणा के मीडिया प्रमुख का बयान, पूरे हरियाणा के मीडिया प्रमुख का बयान है, थोड़ा के हरियाणा के मीडिया प्रमुख का बयान पढ़ लो, मेरे पास प्रमाण, मैं शाम के अखबार भी पढ़ के आया हूँ, मीडिया प्रमुख का बयान आपको बता सकता हूँ। पर ऐसी बात कहना क्यों, अपने आप को लाइमलाइट करना, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने खंडन कर दिया, उन्होंने अपने बयान का खंडन कराया कि उन्होंने कभी किसी भी मंच पे किसी फोरम पर ऐसा बयान नहीं दिया, एक बार। और जहां तक आप कह रहे हैं कि माया नगरी के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, उनको स्वतंत्रता है, वे फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, जैसे हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता, हमें लग रहा है कि ये गलत हो रहा है तो हम राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर इस बात का विरोध दर्ज करा रहे हैं। अगर उनको लगता है कि फिल्मकारों के साथ गलत हो रहा है, चाहे शबाना आजमी जी हो या बाकी सब लोग हैं, उनको इस बात की स्वतंत्रता है कि वो लोकतांत्रिक अधिकारों से अपनी आवाज को बुलंद करें, हम उनकी आवाज को असहमति के बावजूद अभिनंदन करता हूं।
शबाना जी की बात का भी असहमति के बावजूद अभिनंदन करता हूं, या माया नगरी के और जो भी फिल्मकार हैं जो हमारे या देश के इस आक्रोश के विरुद्ध अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, असहमति के बावजूद उनका अभिनंदन करता हूं। इस भारत के संविधान ने, हमारे लोकतंत्र ने इस बात की स्वतंत्रता सबको प्रदान की है अर्शद जी कि वो अपनी बात रखें। अगर शबाना जी रखती है तो मुझे लगता है कि हमको उनकी बात को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, और मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया प्रतिवाद ये होता है कि आप तार्किक बात करें, आप तथ्यपरक बात करें, आप प्रामाणिक बात करें, आप मुद्दे आधारित जवाब दें, और अगर उनकी तरफ से कोई तार्किक, कोई तथ्यपरक, कोई मुद्दे आधारित, कोई ठोस विषय उठाया जाता है तो मुझे लगता है कि हर एक फोरम से उनको उसी भाषा में प्रत्युत्तर दिया जाएगा। बस तरीका लोकतांत्रिक। दोनों से एक सवाल है मेरा। 1 दिसंबर को फिल्म रिलीज होने वाली थी पद्मावती, सेंसर बोर्ड को जो आवेदन दिया गया था उसे लौटा दिया गया है फिलहाल, और क्या लगता है आपको गुजरात चुनाव के बाद फिर इसको सेंसर बोर्ड अनुमति देगा या ये फिल्म डब्बे में बंद होकर रह जाए? नहीं, सेंसर बोर्ड अपने आप में एक स्वशासी निकाय है कि इस फिल्म को अनुमति देना या नहीं देना, इसमें कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। और ये जो विरोध है ये कोई सरकार का विरोध भी नहीं है, ये तो भारत के आम नागरिक का विरोध है। भारत के आम नागरिक के विरोध को सरकार ने मुखरता देखी तो सुना है, और सुनने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो संज्ञान भी लिया है। तो मुझे लगता है कि वो फिल्म कब रिलीज होगी इसके बारे में तो सेंसर बोर्ड जब प्रमाण पत्र जारी कर देगा, और मुझे लगता है कि इस प्रकार के आपत्तिजनक दृश्य हटाए जाते हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते अर्शद जी आपके इस राष्ट्रीय चैनल पर खड़ा होकर बहुत प्रमाण पूर्वक कह रहा हूं कि अगर उस फिल्म से वो आपत्तिजनक दृश्य हटा लिए जाते तो मैं संजय लीला भंसाली जी का आभारी रहूंगा, दीपिका पादुकोण जी का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने पद्मावती के गौरवशाली इतिहास का फिल्मांकन कराए, और जब भी ये फिल्म उन आपत्तिजनक दृश्यों को हटाकर रिलीज की जाएगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, 1500 मित्रों के साथ, बैंड बाजे के साथ राष्ट्रभक्त नागरिक जाएंगे और संजय लीला भंसाली जिंदाबाद के नारे भी लगाएंगे, दीपिका पादुकोण जिंदाबाद के नारे भी लगाएंगे। बस शर्त यह है कि उसमें इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, और जो आपत्तिजनक दृश्य जिनके बारे में आशंकाएं व्यक्त करी गई है उन आपत्तिजनक दृश्यों को हटाया जाना चाहिए। ये भारत का हिंदू समाज ही नहीं, पूरा भारत का सारा नागरिक इस बात के लिए आभारी रहेगा कि पद्मावती जी को आज 3 सदियों के बाद कम से कम संजय लीला भंसाली जी ने पुनर्स्मृत कराया है, और दीपिका जी चूंकि उस चरित्र को जी रही हैं जी। जैसे दीपिका चिखलिया जी ने सीता जी का चरित्र जिया था, तो मेरी माता अब इस समय नहीं रही अर्शद जी, उस समय जीवित थी तो वो दीपिका चिखलिया को ही सीता माता मानती थी, उन्होंने घर के मंदिर में दीपिका चिखलिया की फोटो रख ली थी। तो अगर दीपिका पादुकोण जी पद्मावती के चरित्र को जी रही है तो मैं उनमें पद्मावती के रूप में उनको देखना चाहता हूं, उनमें माता का स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। यह विरोध मुद्दा आधारित विरोध नहीं, व्यक्ति आधारित विरोध नहीं है। नरेंद्र जी, संजय लीला भंसारी कह चुके हैं कि फिल्म में कोई आपत्तिजनक दृश्य नहीं है। वेद प्रताप वेदिक और रजत शर्मा जी भी देख के बोल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का रवैया आपने सुन ही लिया जी। ये जो अभी से उस यू टर्न आपको दिख ही रहा है कि आपत्तिजनक दृश्य हट जाएंगे तो हम ही जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे और हम ही समर्थन करेंगे चुनाव बाद, यही होना गुजरात चुनाव बाद कि आपत्तिजनक दृश्य हटा लिए गए और हम समर्थन में, ये सिर्फ गुजरात चुनाव की राजनीति और नौटंकी है। गुजरात चुनाव के बाद अचानक से घोषणा होगी कि फिल्मकार ने सारे आपत्तिजनक दृश्य हटा लिए और हमारी सहमति है, लगे कोई दिक्कत नहीं, चुनाव निपट जाएंगे, जो जातिगत भावनाएं भड़काना है, जो जातिगत समर्थन लेना है वो ले लिया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी यही करने में माहिर है और इस फिल्म के माध्यम से भी यही कर रही है जी। हमसे बात कर रहे थे नरेंद्र सलूजा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उमेश शर्मा जी ने भी तीखे प्रहार किए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जरूर घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में इस फिल्म पर रोक रहेगी, क्या ये रोक सेंसर के जारी करने के बाद भी रहेगी ये अलग सवाल है, स्मारक कब बनेगी कहां बनेगी ये भी तय नहीं है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही, ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीजीएनआर न्यूज़।